हेलो एवरीवन, देख के लग रहे हैं ना कि दाल भिगो के पीस के ये वड़े बनाए हैं, पर ऐसा नहीं, ये हैं सूजी के दही वड़े। नरम मुलायम इतने कि मुंह में जाते ही घुल जाए। बनाना तो बहुत ही आसान है, जब मन करे बस सूजी घोलो और फटाफट से बना लो। ये देखिए, यहाँ मैं इसको तोड़कर दिखा रही हूँ कितना स्पॉन्जी है, कितना फ्लफी है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कटोरी रवा लिया है, आप मोटा या पतला कोई भी रवा ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना रवा लिया है उतना ही दही डालना है इसमें। तो एक कटोरी दही डाला है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, यहाँ पे मैंने डाला है बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा नमक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, पहले जो दही डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। जितना पानी उसका है रवा, वो पानी सोख ले, उसके बाद ही हम इसमें देखेंगे कि हमें कितना पानी इसमें डालना है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसलिए पानी हम इसमें बाद में ही थोड़ा सा करके डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 चम्मच ही पानी डालूंगी, इतना पानी रवा को नरम करने के लिए बहुत है। तो यहाँ पे मैंने पानी को भी अच्छे से इसमें मिला दिया है, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतनी थिकनेस हमको चाहिए। इससे ज़्यादा अगर कि पतला होगा तो इसके वड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे रवा जो है वो अच्छे से फूल जाएगी। अब गैस पे मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा को हमें अच्छे से रोस्ट करना है हल्की आंच पे। जीरे का फ्लेवर दही बड़े में बहुत ही अच्छा लगता है, इससे जो इसका टेस्ट है ना दही बड़े का और भी बढ़ जाता है। ये देखिए, जीरे का रंग बदल गया है, इसमें हल्की हल्की स्मेल आने लगी है। अब इसके नीचे गैस को करेंगे बंद और इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही इसे रखेंगे, तो थोड़ा सा ही कूट के हम इसको इससे बाहर निकाल लेंगे। ये जीरे का पाउडर बनकर तैयार है, इसे आप रायते में या शिकंजी में किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, उससे उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ आप सूजी को देख लेते हैं, ये देखिए सूजी भी अच्छे से फूल गई है। इसे एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं, फेंट लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना वो, आप देख रहे हैं मैंने कितनी क्वांटिटी ली है, बस थोड़ा सा पिंच भर मैंने लिया है और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच पानी। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी में। आप इसमें मीठा सोडा तभी डालिएगा जब आप इसे बिल्कुल तलने के लिए तैयार हो, उससे पहले मीठा सोडा डालकर मत रखिएगा, वरना ये बैटर जो है वो खराब हो सकता है। जैसे ही आप सोडा डालकर इसको मिक्स करेंगे, जो बैटर है वो थोड़ा सा फूलने लगेगा, फ्लफी हो जाएगा। तो ये हमारा बैटर तलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब एक तरफ कढ़ाई पे मैंने तेल गरम करने रख दिया था, ये मीडियम हॉट ऑयल है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा, इतना ही हमको तेल चाहिए। हम इसमें वड़े को डालेंगे, मैं यहाँ हाथ से डाल रही हूँ, आप चाहें तो चम्मच का यूज़ भी कर सकते हैं। जो नींबू के साइज़ होता है उस साइज़ के हमको इस वड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे आप वड़ों को तेल में डाल के छोड़ देंगे, डालते से ही आपको इसे हिलाना नहीं है, ये वड़े फूलकर अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अभी तक वड़ों को बिल्कुल भी हिलाया नहीं है, ये कैसे फूल के ऊपर आ गए हैं और नीचे से ये बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं। अब इन्हें हम उलटना पलटना शुरू करेंगे। अब इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी फ्राई होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये इजीली बाहर आ जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। इन्हें आप अच्छे से उलट दीजिए ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, उलटते पलटते वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, इस पे जो हमें ब्राउन कलर चाहिए वो आ गया है। तो अब इसे तेल से निकालते हैं बाहर और बाकी वड़ों को भी इसी तरीके से तल लेंगे। ये देखिए, वड़े बिल्कुल बनकर तैयार हैं। एक वड़ा मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के, ये ऊपर से इतना क्रिस्पी है पर अंदर से आप देखिए कितना ये सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। एक कप रवा में कम से कम 15 से 16 वड़े इजीली तैयार हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक बाउल में ले लिया है पानी, ये नॉर्मल पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, रूम टेम्परेचर पे। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और इसके साथ ही थोड़ी सी हींग। हींग से जो वड़ों का टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है, दही वड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो जब हम इसे डिप करेंगे, इन वड़ों को पानी में डिप करेंगे, तो ये जो पानी इसके अंदर जाएगा उससे हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इन वड़ों को आप पहले से बनाकर फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे और जब आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इन्हें बनाइए। यहाँ पे मैं कुछ वड़े ही पानी में डिप कर रही हूँ, बाकी वड़ों को मैं ऐसे ही स्टोर करके रख लूँगी। आप इन वड़ों को नॉर्मल चटनी, नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर धनिया चटनी के साथ, ये ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं।
एक बार चम्मच की मदद से इन्हें अच्छे से पानी में डिप कर देंगे। फिर इन्हें 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसी पानी में छोड़ देंगे ताकि अच्छे से पानी इसमें चला जाए, ये और भी अंदर से फूल के सॉफ्ट हो जाए। इनको अच्छे से इसमें डिप करके छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है दही, कि एकदम फ्रेश दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब दही को हम अच्छे से फेटेंगे। इसे तब तक फेटेंगे जब तक इसमें चीनी अच्छे से मिल ना जाए और इसमें एक स्मूथनेस ना आ जाए, तब तक इसे हम फेटेंगे। ये देखिए दही यहाँ पे बहुत अच्छे से स्मूथ हो गया है, आप देख सकते हैं ना, मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही दही मिलता है और उसी से दही वड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ मैंने 10 मिनट बाद वड़ों को पानी से निकाल लिया था, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए इसको हल्के हाथ से दबा के आप पानी से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक डिश ली है, उसमें मैं इन वड़ों को सेट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इन सबको एक साथ या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। अब इस पे सबसे पहले हमें डालना है दही। दही को बहुत अच्छे से इसमें डालिएगा, सारे वड़े दही से कोट हो जाएं। इस तरीके से इसमें दही हमें डालना है। इसके बाद इस पे डालना है हमें धनिया पुदीने की चटनी। इसकी रेसिपी आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसके बाद इस पे डालेंगे मीठी चटनी। इमली और गुड़ की जो मीठी चटनी बनती है ना, उसका इस्तेमाल किया है मैंने इस रेसिपी में। अगर आप गुड़ से चटनी बनाएंगे ना, तो उसका टेस्ट चीनी की चटनी से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब इसमें ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, आप चाहें तो इसके साथ लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और भुना हुआ जीरा जो हमने पहले से भून के रखा था उसको हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे। इसी के साथ बारीक कटे हुए हरे धनिए से इसको हम गार्निश करेंगे। ये लीजिए, एकदम नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले दही वड़े बनकर तैयार हैं। टेस्ट में बाजार के दही वड़ों से कम नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आसान तो है ही, झटपट आप इसे बना सकते हैं कभी भी। ये देखिए यहाँ पे मैं एक वड़ा आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट है ये, कितना स्पॉन्जी दिख रहा है और नरम, तो ऐसा कि मुंह में जाते ही घुल जाए। ना ही दाल को भिगोना ना ही पीसना, झटपट सूजी खोलिए और बनाइए नरम मुलायम दही वड़े। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।